दिलीप तिर्की आपके पास चलते हैं। दिलीप तिर्की, आप हांगझोउ से जुड़े हैं, टीम की हौसला अफजाई के लिए गए थे, प्लेयर रहे हैं, प्रेसिडेंट, शानदार आप खिलाड़ी रहे हैं, आपको हमने काफी कवर किया है और आप रॉक सॉलिड डिफेंस माने जाते थे टीम इंडिया के। और इस बार जो टीम इंडिया है 9 गोल सिर्फ खाई है, 68 गोल किया है, क्या वजह, क्या चेंज आया है, क्या इंडिया जो है एशिया का रियली स्पोर्ट का जो पावर हाउस है उसमें हॉकी ने काफी पहल की है? सही कह रहे हैं बिमल जी। इस वक्त एशिया के मेरे ख्याल से बेहतरीन टीम है भारत, और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में टीम का परफॉर्मेंस हम सब देख रहे हैं, अलायंस एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इस बार वर्ल्ड में देखा जाए तो अभी रैंकिंग थर्ड फोर में हमेशा रह रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन इस एशियन गेम्स में मेरे ख्याल से सबसे, जितने भी मेरे ख्याल से एशियन गेम्स हमने खेले होंगे, सबसे बेस्ट मैच इसी खेल में देखने को मिला है। लीग मैच में आप देखेंगे स्टेज बाय स्टेज जितने भी मैच हुए हैं, सभी मैच में सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। लीग मैच के बाद सेमीफाइनल, सेमीफाइनल के फाइनल आपने देखे होंगे, जो जैसे आपने कहा कि जो गोल हमने कंसिडर 9 गोल्स हम किए हैं और काफी गोल्स हमने दागे हैं, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि खिलाड़ी अटैकिंग, इवन सबसे अच्छी बात ये रहा कि शॉर्ट कॉर्नर में हमारे गोल्स निकल रहे हैं, जो हरमनप्रीत हरमन हुआ, हमारे अमित रोहित दास, कल भी आपने देखे होंगे फील्ड गोल भी हमें निकल रहे हैं, अटैकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कॉर्नर बना रहे हैं लड़के। लेकिन एक एक टीम में एक कॉन्फिडेंस आ गई है और टीम फिट है और कोच ग्रेग के अंडर में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। दिलीप, आप टीम में जब खेलते तो आप सबसे अलग थे, बहुत बहुत जीजान लगा के खेलते थे। ये टीम जो आई है इसमें क्या खास बात है? एक तो मैं जो मुझे पता चला है कि करीब 30 का जो कैंप लगता है उसमें 19 खिलाड़ी यो टेस्ट में 23.6 जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको पूरा करते हैं, या टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या अमित रोहिदास जैसे खिलाड़ी है जो जी जान लगा के बॉल के सामने भागते हैं, पूरी टीम जो है, और आपको क्या लगता है ये टीम अब पेरिस में जो टीम काफ़ी समय से हमें नहीं मिला है, एक हमारा सुनहरा दौर था, 8 गोल्ड हमने ओलंपिक्स में जीते थे, क्या उस दिशा में हम हैं आगे, क्या पेरिस में हम इस टीम से उम्मीद करें? बिल्कुल, हम कई सारे एरिया में डेवलप किए हैं, जैसे आपने कहा कि नया स्किल एक का आ गया है, जैसे अमित रोहित दास का फर्स्ट रनर के हिसाब से मेरे ख्याल से एक टाइगर हार्ट होना चाहिए, और जैसे जिस तरीके से हम 2021 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते, एक उनका भी कंट्री में से बहुत अच्छा रहा है। और देखिए शॉर्ट कॉर्नर में हमारा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे लास्ट ओलंपिक्स में हमें रुपेंद्र पाल और हरमनप्रीत ने दोनों मिलकर 10 गोल किए हैं। आज के हॉकी में मैं कहते आ रहा हूँ कि जिस टीम के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वही टीम मॉडर्न हॉकी को डोमिनेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो आज भी हमारे हमें टीम में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छा कारण है, एक एक ये भी कारण है। अच्छा। और दूसरी बात, बिल्कुल सबसे दूसरी बात, टीम इस वक्त फिट है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा यूए टेस्ट में मेरे ख्याल से काफी सारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल फिटनेस हाई होती है, हमारा आपके कनेक्शन से जुड़ने मुझे फिटनेस हाई होता है तो हमें हमारे परफॉर्मेंस में स्किल बनाना आसान हो जाता है। एक्सेलेंट है, डेवलप किए हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे खेलते। बिल्कुल दिलीप, आपका ना कनेक्शन जुड़ने में हमसे मुश्किल हो रही है। हम चलते हैं ईशा के पास। ईशा, शूटिंग में सबसे ज्यादा अब तक 29 मेडल हमें हासिल हुए, और शूटिंग की इस कामयाबी के पीछे, क्योंकि आप काफी समय से, बहुत आप यंग हैं लेकिन आप 13 साल से वर्ल्ड नंबर 1 को आप हरा रही हैं, 18 साल आपकी उम्र हुई है अभी, इसमें जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने जीता और यहां जीता है, क्या चेंज आया पिछले 4-5 साल में, क्या चेंज आया? क्योंकि हम जो शूटिंग में एक टाइम में हम ओलंपिक में मेडल जीतते थे लेकिन हम बीच में दो बार से मिस कर रहे, 2016-2020 में हमने शूटिंग में जीता नहीं, क्या बड़ा चेंज आया है आप, और आपको क्या लगता है क्या ये सिलसिला पेरिस पे जाकर रुकेगा या वहां भी चलता रहेगा? मेरे लिए पर्सनली ऐसे कोई चेंजेस नहीं हुए। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं मैचेस खेलते आ रही हूँ वैसे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे एक इट्स लाइक आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ बेटर। हर मैच में जैसे एक्सपीरियंस मिलता है आपको पता चलता है कि क्या आप गलती कर रहे हो, कैसे उसको सुधार सकते हो आप। तो फॉर मी एक्सपीरियंस इज अ बिग रोल।
और हमारे कोचेस जो अभी है सबसे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोचेस वी हैव फ्रॉम एनआरआई एंड ये आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम गई है शूटिंग की। और आप अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ आर एथलीट जो है उनको एक्सपीरियंस बहुत है जो इस एशियन गेम्स में गए हैं टीम। तो पेरिस में हम उम्मीद करें शूटर से बेहतर प्रदर्शन की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। चलिए आर्चरी में अगर पूछते हैं सर संजीव, क्या बदलाव आया? मतलब इस बार आपने रिकॉर्ड बनाया वहां पे, नौ नौ मेडल जीतना आर्चरी में। कोई भी मतलब कोई प्लेयर, कोई भी आप संजीव, कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहें। और ओवरऑल जब वहां आप गए एशियन गेम्स में, जब आप गेम्स विलेज में जाते हैं और आप 100 मेडल के साथ घूम रहे हैं, बाकी के दुनिया के एथलीट आपको कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि आज 100 मेडल इंडिया ने लिए आर्चरी में, बहुत अच्छे मेडल्स हासिल किए। और इसमें हमने जो पिछले 4 सालों से जो तैयारियां की थी, जो एशियन गेम्स हमारे दिमाग में था, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड पार्ट था हमारा टेक्निकल, और थर्ड पार्ट जो था हमारा स्पोर्ट्स साइंस। और इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो हमने बहुत बेहतरीन रखा। टेक्निकल में हमने फॉरेन कोचेस को बुलाया था। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रहा था, सोनीपत में चल रहे थे, हमारे कैंप्स चल रहे थे, बिल्कुल उनको सर, काफी हमारे पास थोड़ा डिसिप्लिन। सा वक्त की कमी है। एक वाइंड अप, एक फाइनल आंसर चाहेंगे दिलीप टिर की आपसे। आप पहले प्लेयर रहे, आप अभी प्रेसिडेंट हैं, वहां जब गए हैं भारत को दूसरे देश जो एशिया के देश हैं 100 मेडल पे या इतने ज्यादा मेडल आप जब जीत रहे हैं, क्या अलग रेस्पेक्ट पहले एज ए प्लेयर आपने देखा है, अभी देखा है, क्या बदलाव आया है ओवरऑल? सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी हम हमारे देशवासियों को, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है एशियन गेम हिस्ट्री में 100 पार किए हुए हैं।